गुमला जिले के एसी यानी एडिशनल कलेक्टर इन दिनों प्रशासनिक पदाधिकारी का दायित्व निभाने के साथ एक शिक्षक की भूमिका भी निभा रहे हैं। वे स्कूल कॉलेजों में जाते हैं और छात्रों को बेहतर करियर की सलाह दे रहे हैं। एसी सुधीर कुमार गुप्ता अपनी इस खूबी के लिए पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गए हैं। इन्हें आप एक शिक्षक की भूमिका में देख रहे हैं, लेकिन ये गुमला जिले के एसी यानी एडिशनल कलेक्टर है। अपने खाली समय में ये जिले के स्कूल और कॉलेजों में छात्रों को बेहतर करियर की सलाह देते हैं। फिलहाल इन्हें आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्लास लेते हुए देख रहे हैं। इनके इस क्लास ने छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी खासा प्रभावित किया है। और क्या क्या चीज इम्पोर्टेंट है हम लोग को सक्सेसफुल होने के लिए, और कितना तरीके से हम लोग उस चीज को अचीव कर सकते हैं। और ये सेशन बहुत अच्छा था। सबको सब कोई चीज पता होता है, लेकिन कोई उसको स्मरण कराना बहुत जरूरी होता है, उसको रियल लाइफ एप्लीकेशन में लाने के लिए। और हम एसी सर को रिक्वेस्ट किए थे, और हमारा रिक्वेस्ट है कि एसी सर आज एक बहुत बेहतरीन सेमिनार हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। थोड़ी सी असफलता से छात्रों में नकारात्मक ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है, यानी वे निराश हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें नई ऊर्जा की जरूरत होती है। सुधीर कुमार छात्रों में नई ऊर्जा भरते हैं और उन्हें बेहतरीन करियर की सलाह देते हैं। ये बच्चे बेटे बेटियां हैं, हमारे देश का भविष्य है, और समाज के निर्माण में इनका ही अब आगे अहम रोल आने वाला है। और ये करियर के अपने महत्वपूर्ण एज से गुजर रहे हैं। इस एज में ही बच्चों के बीच में एजुकेशन का पदार्पण होता है और बहुत सारी कुरीतियाँ हो जाती है, बहुत सारे जुनून आते हैं। एक स्टूडेंट को अपने करियर में अच्छा करने के लिए अध्ययन के साथ साथ मोटिवेशन के लिए आवश्यकता होती है, और वो पढ़ाई तो बेसिकली करते रहते हैं, लेकिन उस मुद्दे में चूंकि डाइवर्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है। गुमला के छात्रों में तो गरीब परिवार से आते हैं, तो ज़्यादातर छात्र उन्हें क्षमता प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें पॉजिटिव बनाए रखना, उन्हें सही दिशा में हमेशा अग्रेसित करना, उनकी क्षमताओं को पॉजिटिव बनाने के लिए चलना ही सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है। एक अधिकारी अपनी भूमिका कई क्षेत्रों में निभा सकता है। सुधीर कुमार कुछ ऐसे ही वानगी पेश कर रहे हैं जिसका अनुकरण किया जाना चाहिए। गुमला से किशोर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।